ले जाएंगे बस अपने निशान, किसके सिवा जाना कहाँ कि जिंदगी सरगस है और आदमी जोकर है। जीविका के थ्रू हम जुड़े उससे और फिर हमने ये बाजी के बिस्किट बनाए। एग्जीबिशन बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। राजीविका से, राजीविका ये रोटी है, ये गट्टे की सब्जी है, ये सांगरी की सब्जी है, ये लहसुन की चटनी है और ये दाल है 100 रुपया प्लेट। Hi, hello, namaste, adab, main kehti sat sri akaal sare nu, this is Jigyasa, welcome back to my channel. I hope you guys are doing the best in your life. So guys, the place where I'm standing right now is Jawahar Kala Kendra aur yahan lagi hui ek bahut hi amazing si exhibition, जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट एग्जीबिशन। तो यहाँ पे बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को शोकेस किया गया इस बार और यहाँ पे न सिर्फ राजस्थान के बल्कि अदर स्टेट्स के बहुत सारी जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उन सबको यहाँ पे शोकेस किया गया है। तो एग्जीबिशन बहुत ही बड़ी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आज मिलकर इसी एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते हैं। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आर यू रेडी? आई नो यू आर। Let's go. तो चले अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस एग्जीबिशन को। गो। पधारो साहब, कहाँ से आए हैं? उदयपुर से। ये क्या चीज है जो आप कर रहे हैं? ये जंगली शहद है मैम। जंगली शहद? हाँ। ये क्या होता है, मतलब कैसे निकाला जाता है इसको? ये मैम महिला जाती है जंगल में, फिर मक्खियों को भगा के फिर तोड़ के लेके आती है। 700 ग्राम 350 ग्राम। अच्छा, और ये छोटे छोटे? ये है 250 ग्राम 125। पौधा होता है उसके जड़ निकाल के फिर सूखा, वो चीन के फिर सूखाते हैं, फिर इसमें करते हैं। गांव में भी बेचते हैं, हर मेला लगता है राज्य का उसमें करते हैं। तो आज हम मिलने आए हैं स्पेशली गीता जी से, जिनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनी थी हमने, तो आज इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे क्या लेके आई है। नमस्ते, मेरा नाम गीता देवी है और मेरा, मैं कैरू गांव से हूँ, जोधपुर जिला। मेरा समूह का नाम चौंडा माता ऐसे जी है। तो उस राजीविका के थ्रू हम जुड़े उससे और फिर हमने ये बाजरी के बिस्किट बनाए। ऐसी बाजरी के बिस्किट बनाते हैं और ये लड्डू भी बनाते हैं हम। पहले शुरुआत तो हमने 12 महिला इसी की थी और IIC बैंक ने हमें ट्रेनिंग दी। बाजरे के लड्डू के बारे में और बाजरे के और डिशेस के बारे में तो सुना था, लेकिन बिस्किट्स के बारे में पहली बार सुना है। बिस्किट पहली बार ही हमने शुरुआत की इसकी। अच्छा, तो ये बिस्किट बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? मेरे को देखो, ये इस राजीविका के समूह में जुड़ने के बाद राजीविका में जुड़ी तो मुझे ये ख्याल आया मैं कुछ करूँ। तो घर के काम तो करती थी, लेकिन मैंने सर को बोला, सर मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए। सर ने बोला खींचा बड़ी राबड़ी वो बनाओ। मैं नहीं सर, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जहाँ पर मेरा भी नाम हो। 10 दिनों की ट्रेनिंग 7 दिनों में पूरी की। तो कौन कहता है कि एक गृहिणी एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती? वहाँ पे मतलब जो रसोई में जो आविष्कार होते हैं ना, जो जो खोज की जाती है, वो उसके जायके का आनंद पूरा विश्व उठाता है। ये इसमें कुछ चॉकलेट और काजू बादाम? हाँ, देख रही हूँ, जानता है, चॉकलेट ही है। अच्छा, बाजरे में ही आपने ये सारे फ्लेवर मिक्स करके ये नए इन्वेंट किया है? देखो, लड्डू और कुरकुरे से हाथ से बनते हैं और ये बिस्किट है जो हम मिक्सर में लगाते हैं, ओवन में सेकते हैं। ये जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 जो है, ये लगा हुआ है जवाहर कला केंद्र में और ये लगाया गया है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका द्वारा आयोजित इसको किया गया है। और इसमें जो भी ये क्राफ्ट से रिलेटेड और वो हैंडमेड चीजें आपको मिलेंगी और मतलब काफी इनोवेटिव चीजें भी हैं कि विमेन एम्पावरमेंट लाने की सोच के साथ इसे आयोजित किया गया है और एक गृहिणी को कह सकते हैं कि मोटिवेट करने की कोशिश की गई है ताकि वो भी सिर्फ
घर की चार दीवारी में तक सीमित न रह के अपने लिए अपना भविष्य चुने, अपने लिए ज्यादा अवसरों की तलाश करें, अपने टैलेंट को शोकेस करें। तो एक तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं, क्योंकि एक जो गृहिणी होती है वो अपने रसोई में काफी कुछ ऐसा खोज लेती है जो कि दुनिया देखती रह जाती है। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मोटापा, लीवर, शुगर और इसकी जो प्रॉब्लम हो उसके लिए आपसे मिले, तो क्या समाधान मिलेगा इस चीज का आपके पास? मैडम ये एलोवेरा जूस है, इससे मोटापा कम होता है 100%। सुबह लेना है ये पंच तुलसी है, सर्दी जुकाम है, वायरल बुखार है, कोविड की तरह जो फैल रहा है उसमें लाभदायक है, तुरंत रिजल्ट मिलता है 2 घंटे। ये एंटी डायबिटिक ड्रॉप है तो शुगर के लिए, इसमें करेला, जामुन, गुगल, गुड़मार ये डाला हुआ है, उसका जूस नोनी, नोनी फल होता है एक सीताफल की तरह होता है, ये इनके बेनिफिट है, ब्लड की सफाई करना, ब्लड प्रेशर, स्किन संबंधित प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उनके लिए, सबके लिए। यहाँ पे है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और ये आए हुए गुजरात से। कौन सी जगह से? बनारस यूपी। बनारस से हैं? ये रेड एंड ब्लैक जो लगा हुआ है 35,000 तो इसमें क्या खास बात है सी? सब प्योर रेशम का, जो कीड़े के रेशम निकलता है ना, हाँ, हाँ, चीज है ये, सब कीड़े के रेशम निकाल करके बनाते हैं, ओरिजिनल रेशम है, यानी रेशम ओरिजिनल प्लस हैंडमेड है ये पूरा। ये काफी इंटरेस्टिंग से पर्स लग रहा है, काफी प्यारा है, 500 में आ जाएगा। 500 में आ जाएगा? ये खुद के बनाए हुए कढ़ाई। कहाँ से आए आप? गुजरात कच्छ। हम 10 महिलाएं काम करती है, फिर हम सब बनाती है और मैं ऐसे मिला करके बेचती हूँ। ये मेरा पटचित्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पटचित्र। पटचित्र तो ये क्या हाथ से, ये सब कुछ जो भी बनाया आपने खुद सब हाथ से बनाया? हाँ, हाथ से ही बनाया। ये पटचित्र में कहानी आता है, कहानी में गाना है, मेरे लोग बंगाली भाषा में गाना गाकर समझाते हैं। कैसे? सारे कलर ये मेरा नेचुरल कलर है। अच्छा, तो ये कलर कैसे बनाए हुए? वो जो हल्दी खाते है हल्दी से हल्दी रंग आता है, वो जो सिम खाते है सिम से पत्ता है, वो पत्ता से सब जाता है ग्रीन, और पटचित्र में नेचुरल कलर है और ये सारे चीज में फैब्रिक कलर। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, कोई राजसमंद से आया है, कोई जयपुर से ही है, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है ये पूरी एग्जीबिशन। कई सोप्स है, कई साड़ीज है, कई खादी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कैंडीज है यहाँ पे। ये क्या क्या है कैंडीज? इसको देख के सब बचपन की याद आ रही है कि ऐसा कुछ हम लोग खाया करते थे, ऐसी रंग बिरंगी इंटरेस्टिंग सी चीजों को। ये मतलब स्पेशल आइटम है मीठे, एक मसाला वाला होता है, इसमें जीरा वगैरह सब डलता है, हींग जीरा सब डलता है। और ये इमली? हाँ, ये बचपन की याद है। हाँ, ये हरड़ है पेट कब्ज के लिए। हाँ, हरड़ होती है पेट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए। आम पाचन, मतलब ये बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं, और जिनको भी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेस्ट का टेस्ट मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी सो अलग। और ये रंग बिरंगी कैंडीज ये तो बच्चों के हिसाब से है ही है। धनिया की कटिंग लगी है, वो जो साबुत धनिया होता है, तो चटपटे स्वाद में भी छुपे हुए है, स्वास्थ्य के राज, स्वस्थ रहने के राज, तो स्वाद भी उठाया जाए और स्वस्थ भी रहा जाए, है कि नहीं? नींबू का है, आम का है, मिक्स है, टमाटर का है, ये दीदी गेहूँ के खिचिया है, इसको मसाला खिचिया बनाया है। हाँ, ऐसे ये बनाया हुआ है, मसाला खिचिया बनाते हैं। ये हमको जालौर जिला कलेक्टर ने भी सम्मानित किया हुआ है और दैनिक भास्कर में हमारी वुमेन डे पर स्टोरी निकली थी और हम बेंगलोर गए थे ना ऐसे ही मेले में, तो वहाँ नेशनल अवार्ड विनर है हम, नो प्रिजर्वेटिव 100% ऑर्गेनिक। ये है राजस्थान की लाख की चूड़िया,
और काफी खूबसूरत लग रही है। चूड़े भी हैं यहाँ पे और कुछ ऐसे करके बनाई जाती है नाक की चूड़ियाँ। सवाई माधोपुर का स्पेशल बाल की पकौन इसको सवाई माधोपुर का बड़ा बोलते हैं। ये हमारा चूरमा है, ये रोटी है, ये गट्टे की सब्जी है, ये सांगरी की सब्जी है, ये लहसुन की चटनी है और ये दाल है 100 रुपया प्लेट। मैंने चूरू में ना 29 प्रकार के आइटम बनाए हैं बाजरे के, केक, कैंडी, बिस्किट, पापड़ी सब कुछ बनाए हैं। हम नागौर से हैं मैम। नागौर से ये हाँ जी, हाँ जी जी मैम। क्या अच्छा लगा आपसे? मेरे को मेरे मन हम लोग तो गांव से आए ना। एग्जीबिशन बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, सभी अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार देखा है, जयपुर में पहली बार आए हैं। The uncle gives me a clay and I will mold it in a shape of kundan. महिलाओं ने ये सब कुछ बनाया है और देखिए बहुत खुशी होती है कि वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो कारपेट्स हो, चाहे ही कपड़े हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो। और यहाँ पे सारे स्टॉल्स पे भी फीमेल्स ही बैठी हुई है और वो ही सबको अटेंड कर रही है। और इतना अच्छा सा एग्जीबिशन को बनाया गया है, यहाँ का जो इंटीरियर है और इतनी बड़ी एग्जीबिशन है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे। और इतने अच्छे अच्छे आइटम है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा देख देख के कि हाँ कितना टैलेंट भरा हुआ है, और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। तो काफी खुशी होती है देख के। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इस खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, न भूलोगे तुम
न भूलेंगे वो, ये चाहत हमेशा रहेगी सदा, रह जाएंगे बस अपने निशान, किसके सिवा जाना कहाँ। कि जिंदगी सर्कस है और आदमी जोकर है, आता है चला जाता है, सिर्फ नाम छोड़ जाता है, और मेरा नाम जोकर है। तो गाइस आज की नारी अबला नहीं है, बेचारी नहीं है, बल्कि वो अच्छे अच्छों का तबला बजा सकती है, वो भी बहुत अच्छे से। सो दिस इज जिज्ञासा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लविंग योरसेल्फ, टेक केयर, टाटा, बाय।